how to practice self love self love yes sir that is a very nice question first time i have uh, seen a youth asking about the self love because we are definitely more than in 95% scenario we are attracted towards the uh, towards the outer love because बिकॉज लव very, very factor in nowadays. Am I correct? Okay. नाउ self love practice करने के लिए आपको जो best तरीका है पहले तो आप self love के बारे में conscious है उसके लिए धन्यवाद है और जितना भी मेरे को सुन रहे हैं या देख रहे हैं या मेरे से जुड़ रहे या हमारे जो कम्युनिटी से जुड़ रहे वो सारे जो आप लोग बर्डिंग माइंड से उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सेल्फ हलप प्रैक्टिस कीजिए सेल्फ हलप ऐसा एक टूल्स है आपको क्या क्या फायदा देगा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं उसके बाद श्रावणी की जो क्वेश्चन है उसको मैं आंसर करूँगा पहले तो सेल्फ हलप की फायदा क्या होगा आप अगर सेल्फ हलप प्रैक्टिस करेंगे आप बिलीव नहीं करेंगे जो बात मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसको अगर कनेक्ट कर पाएंगे जिस दिन हम माइंड बॉडी मेडिसिन के ऊपर एक सेशन करवाएंगे उस दिन आप कनेक्ट कर पाएंगे आप लगभग सेवेंटी परसेंट क्रॉनिक डिजीजेस को आप रोक सकते हैं प्रिवेंट कर सकते हैं ये पहला बेनिफिट है क्योंकि हेल्थ इज द मोस्ट प्रिसियस वेल्थ ये बचपन से हम सीखता आए हैं लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे थे तो, लेकिन ये जो स्मॉल वायरस है टॉट आस अबाउट द रियलिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ इन ह्यूमन लाइफ हम इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है तो इसलिए हमारा फोकस ज़्यादा प्रोफेशन के ऊपर रहता है हर वक्त हम हमारे जो हेल्थ को प्रायोरिटी फास्ट प्रायोरिटी नहीं दे पाते हम सोचते हैं कि हमारी प्रोफेशन आगे है हम कैरियर में ये पोजीशन अचीव कर लेंगे साइंटिस्ट हो जाएंगे मैनेजर हो जाएंगे या इतना पैसा कमा लेंगे तो शायद हम लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे लेकिन दिस वायरस इज टॉट द ह्यूमन बीइंग टोटल ह्यूमन सोसाइटी दैट इफ हेल्थ इफ यू हैव नो नो गुड हेल्थ देन यू हैव नथिंग आपके पास चाहे कोई भी पोजिशन कोई भी पावर हो आपके पास अगर हेल्थ नहीं है तो आप लाइफ में शायद आपके पास और जो कुछ भी है उसकी वैल्यू कुछ नहीं है तो पहले तो सॉल्फ सेल्फ लव अगर आप प्रैक्टिस करेंगे सेवेंटी परसेंट साइकोसोमैटिक डिजीजेस रिमेटिजिम से लेकर इफ कैंसर तक आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं बिकॉज मैं इसको इसके आधार पर बोल रहा हूँ क्योंकि आप इंटरनेट पर एक किताब सर्च कर सकते हैं आप लोग शायद जान जा, कोई ना कोई इसके बारे में सुना होगा यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस एल हे जो कि कैंसर में पीड़ित थे नाइनटीन सेवेंटी साल सत्रह शातर, सत्रह शातर, सत्रह साल की ईयर में तो वो सेल्फ लव प्रैक्टिस करके और उनका कैंसर को हील किए थे वो 95 फाइव ईयर्स में 2017 अगस्त में उनकी डेथ हुआ था जो कि ये जो बुक्स है मीराकिल लेडी बोला जाता है वर्ल्ड में तो उसमें बहुत सारा तथ्य है जो कि मैं रिलेट करता हूँ यहाँ पे जितना भी पेशेंट आते हैं तो ये तो पहला इंपोर्टेंस है सेकेंडली आप जितना सेल्फ लव प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी सेल्फ कॉन्शियसनेस बढ़ेगा सेल्फ कॉन्शियसनेस बढ़ेगा मतलब आपकी हर एस्पेक्ट लाइफ के जितना एस्पेक्ट आप सोच सकते हैं रिलेशनशिप सोच सकते हैं आपके करियर सोच सकते हैं आपके बिजनेस सोच सकते हैं आपकी फैमिली लाइफ सोच सकते हैं ये सारे चीज में आपको इम्प्रूवमेंट आ जाएगी क्योंकि आप जितना जैसे एक कहावत है अगर आप खुद को प्यार नहीं कर पाते तो आप दुनिया को क्या प्यार देंगे आप खुद को चेंज नहीं कर पाते तो दुनिया को क्या चेंज करेंगे तो आप जो चेंज बाहर देखना चाहते हैं वो चेंज तो पहले भीतर लाना खुद के भीतर लाना आ, ये बहुत ही जरूरी हो जाता है इसलिए सेल्फ लव जितना प्रैक्टिस करेंगे सेल्फ कॉन्शियसनेस बढ़ते जाएगा सेल्फ कॉन्शियसनेस जितना बढ़ते जाएगा सेल्फ एम्पावरमेंट सेल्फ अंडरस्टैंडिंग और खुद की जो परसेप्शन है जो नजरिया है जो नज़र से हम दुनिया को देख रहे हैं वो बढ़ते जाएगा आप जितना पॉजिटिवली देखेंगे उतना पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में जो आकर्षित होकर आना शुरू हो जाएगी तो ये सेल्फ लव की बहुत सारा फायदा है नेक्स्ट थिंग है सेल्फ लव प्रैक्टिस कैसे करेंगे इसका बहुत सारा उपाय है लेकिन मैं आपको सबसे इफेक्टिव तरीका बता रहा हूँ आप इसको शुरू कीजिए उसका फीडबैक मैं जरूर लेना चाहूँगा आप दो टाइम और रात को जब बेड पे बेड पे सोने जाते हैं और सुबह सुबह उठने से पहले बेड छोड़ेंगे उसके बाद पहला ये दो टाइम में आपको करना क्या है आपकी बेडरूम में अगर बड़ा सा मिरर है तो मिरर के सामने जाइए मिरर के सामने आपको करना कुछ नहीं है थ्री सेंटेंस आपको बोलना है मिरर के सामने आई लव माई सेल्फ आई एक्सेप्ट माई सेल्फ आई अप्रूव ऑफ माई सेल्फ अब ध्यान से सुन लीजिए आई लव माई सेल्फ आई एक्सेप्ट माई सेल्फ आई अप्रूव ऑफ माई सेल्फ मैं खुद को शिकार करता हूँ खुद को प्यार करता हूँ खुद को अनुमोदन करता हूँ ये थ्री से, तीन सेंटेंस को आपको बोलना है कैसे बोलना है आई कॉन्टैक्ट करके जैसे आप आई लव यू बाहर दुनिया को किसी से भी बोल रहे हैं तो आपको खुद को उसी जो पर्सन है जो बेस्ट वर्सन जो बेस्ट पर्सन इन योर लाइफ वो खुद है तो आपको बोलना है फेस टू फेस टोटल हो सकता है तो एक बड़ा सा मिरर पे के सामने खड़ा होना शुरू कीजिए क्योंकि टोटल बॉडी आपको दिखेगा टोटल बॉडी को कनेक्ट कीजिए आपके साथ और उसके साथ उसके आई कॉन्टैक्ट करके आपको आई टू आई कॉन्टैक्ट करके ये थ्री सेंटेंस रिपीट करना है कितना टाइम रिपीट करना है उसका कोई लिमिट नहीं है आप कितना टाइम कर सकते कीजिए वो उसमें क्या होगा उसमें बहुत सारा आपकी बहुत सारा परेशानी चला जाएगा हम ये जो मिरर थेरापी है इसको साइकोलॉजिकल डिजॉर्डर में जो लोग का जो सीबीटी सेशन में लास्ट में इसको सिखाते हैं जो लोग नहीं कर पाते उनको सिखाते हैं आप जितना भी यहाँ पे मेरे को सुन रहे हैं आप इसको प्रैक्टिस आज कीजिए कल व्हाट्सअप ग्रुप में डालिए आपके फीडबैक क्या है बहुत सारा रेजिस्टेंस आता है इरिटेट लगता है खुद को अगर आई लव यू आई लव यू सिर्फ अगर थ्री सेंटेंस को नहीं बोल पाता है तो आई लव यू पहले बोलिए खुद को आई लव यू खुद को बोलिए खुद को आ, किस कीजिए खुद को प्यार दीजिए देखेंगे आप, आप सोच भी नहीं सकते जो लोग के थोड़ी सी वेट ज़्यादा है आप अगर फैट लॉस को लेकर हो रही आपकी माइंड डिस्टर्बेंसेस से, से कॉन्सेंट्रेशन को लेकर इश्यू है आप घर में किसी से आ, आप सोच रहे हैं आपको किसी से प्यार नहीं सही से नहीं मिल रहा आपको कोई समझ नहीं रहा है अगर ऐसा सीनरी आपके साथ है तो आप पहले मिरर के सामने ये चीज़ को प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए आप देखेंगे कितना रेजिस्टिविटी आपके पास आएगा आपको इरिटेट लगेगा आपको बहुत ही ज़्यादा और लगेगा ये प्रैक्टिस करने में ये बहुत ही इफेक्टिवली काम करेगा सेल्फ लव का ये पहला प्रैक्टिस है इसको कीजिए सेकेंडली जो खुले आसमान के एक्सरसाइज में दे रहा है माइंडफुलनेस का उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं उसमें क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं आप जैसे मैं नेगेटिव रिलीज कर रहा था उसी एक्सरसाइज को उसी पोस्चर में आप चाहे सी वाटर के अंदर खड़ा है या खुले जो ग्रास फील्ड है खुले पैर विदाउट शो आपको वहाँ पे खड़ा होना है हाथ दोनों को आपको ओपन पोस्चर कर लेना है ऊपर देखना है और जो यूनिवर्स है जो क्रिएटर है जो ऑल है उसको बोलना है आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव मैं खुला हूँ मैं मुक्त हूँ मैं फ्री हूँ किसके लिए फ्री हूँ जितना भी गुड थिंग्स है जितना भी ब्लेसिंग्स uh, है मेरे पास आना चाहिए इसको आप कर सकते हैं इसके साथ आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हैं ग्रैटिट्यूड द बेस्ट वे फॉर सेल्फ लव तो ये कुछ टेक्निक्स है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आप ये जर्नी पे स्टार्ट कीजिए शुरू हमारा साथ आपके साथ रहेगा हम चाहेंगे आप डेफिनेटली ये सारी चीज़ को ये टूल्स को लाइफ में अडोप्ट करें क्योंकि अगर ये सारे टूल्स को लेकर चलेंगे आप साइकोलॉजिकल डिजॉर्डर के बाद छोड़ दीजिए मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ सेवेंटी परसेंट क्रॉनिक डिजीज को आप प्रिवेंट कर सकते हैं आपकी बॉडी माइंड में कोई भी क्रॉनिक डिजीज जैसे कि कैंसर हो सकता है ट्यूमर हो सकता है आर्थराइटिस हो सकता है रिमाटिजम हो सकता है फैट है जो ओबेसिटी हो सकता है ये सारा प्रॉब्लम नहीं आएगा और जो फीमेल यहाँ पे देख रहे जो गर्ल्स यहाँ पे देख रहे आप अगर आप लोग के लिए सेल्फ लव बहुत ही जरूरी है इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर आप सेल्फ लव को प्रैक्टिस करेंगे इसी तरीके से आपको कोई भी फ्यूचर में गायनिक इश्यू कभी नहीं आएगी ये मेरा आपसे एश्योरेंस है आप करके देखिए अगर कभी भी आएगा तो आप कॉन्टैक्ट कीजिए मैं आपके साथ हूँ नहीं आएगी ये एश्योरेंस है